हेलो दोस्तों, अब अपना रेनेसां का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अब हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसां। रेनेसां वाज नॉट अगेंस्ट रिलीजन। तो पहली बात ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं था। इनफैक्ट बाइबल एंड बिब्लिकल आइडियाज़ वेर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सम ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ आर्ट्स रेनेसां आर्टिस्ट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कैसे जो हम देखते हैं कि जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट ने गॉड का शेप, जो गॉड था उसने ह्यूमन शेप लिया। ठीक है, और इन ऑर्डर टू रिडीम मैनकाइंड। तो कितनी बढ़िया बात है कि जो गॉड है वो ह्यूमन शेप ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन इम्पोर्टेंट है ना। अभी तक हमने देखा था कि ह्यूमन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो पापी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गॉड ले रहा है ह्यूमन शेप का और रिडीम मैनकाइंड, मैनकाइंड को बचाने के लिए। वो अपनी सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी लाइफ, किसको? फॉर द मैनकाइंड, ह्यूमन, आदमी को बचाने के लिए। तो बाइबल ही ये बात कह रहा है कि जो ह्यूमन है वो इम्पोर्टेंट है। सो बाइबल इटसेल्फ सेज द मैन इज़ इम्पोर्टेंट, अनलाइक मेडिवल थियोरीज। जो जो मेडिवल क्या थे, जो धर्मगुरु थे, वो कह रहे थे कि भाई धरती इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी पाप है यहाँ पे, या लोग पापी हैं तो ऊपर जाना इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाइबल कह रहा है नहीं, मैन इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट पोप जो है, इन हिमसेल्फ कमीशन सम ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ आर्ट। पोप ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट जो थे वो उसी ने कमीशन किया, जो कि हम आगे देखेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन वर्थ। चर्च सेड अगेंस्ट एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ एंड प्लेजर। भैया चर्च कह रहा है कि भैया आंखें ऊपर ही रखो, क्योंकि जो हेवन है वो इम्पोर्टेंट है, ये धरती इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाके खुश होना। फ्यूडल सोसाइटी जो है वो ह्यूमन बीइंग को तीन ऑर्डर में बांट रही है। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग रक्षा करते हैं, और कुछ लोग किसान होते हैं। ये मेडिवल स्ट्रक्चर है यूरोप का, सबके फिक्स रोल है। अगर आपके अंदर टैलेंट भी है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ काम करने की, क्योंकि आपका रोल फिक्स है, जो कि आपका खेती करना, जो कि आपका रोल है। बट ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बींग, ह्यूमन नेचर वॉज मेनी साइडेड। इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है वो लिमिटलेस है, वो अपनी लाइफ जो है वो खुद डिसाइड कर सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर फील्ड में। अब देखिए, जो मिडिवल सोसाइटी है वो कैसी, क्लर्जी लॉर्ड एंड पीजेंट्स, ये हायरार्किकल सोसाइटी है। जब जब मैंने इंडिया से कंपेयर किया हुआ है, सब का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिक्स्ड रोल है। शूद्र का काम जो है वो इन तीनों की सेवा करना है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो क्या है, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, वो अमेरिका जाके उन्होंने पढ़ाई करी थी, इंग्लैंड जाके उन्होंने पढ़ाई करी थी, सिटी में रहते थे, न्यूयॉर्क, लंदन, और फिर मुंबई, और फिर यहाँ पर। तो उनको अच्छी एजुकेशन मिली थी, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अगेंस्ट कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स थी, अपना फिक्स जो रोल था उनका कि भैया तीनों की सेवा करना, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैन में एबिलिटी है, अम्बेडकर में एबिलिटी है, हर किसी, इन सब में से किसी में भी एबिलिटी हो सकती है, किसी का फिक्स रोल नहीं है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी को अप्रिशिएट कर रहा है रेनेसा। अब हम देख रहे हैं कि जो वर्क्स हैं इस समय के, जो वर्क जो आर्टिस्टों ने प्रोड्यूस किए थे, जैसे कि जैसे कि जो पेंटिंग है। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें पास हैं, कुछ चीज़ें दूर होंगी, तो जो पास चीज़ें हैं वो ज़्यादा साफ दिखेंगी। तो इनकी पेंटिंग्स में भी वो साफ दिखा करती थी, जो दूर हैं वो जो छोटी, ये बड़ी होती थी, जो दूर हैं वो ज़्यादा छोटी होती थी। ठीक है, लाइट्स के चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट, किसी कमरे में अगर बल्ब जल रहा है तो पास की चीज़ें ज़्यादा साफ दिखाई देंगी, उजली होंगी, दूर की चीज़ें होंगी वहाँ पर थोड़ी डार्कनेस होगी। इन दोनों चीज़ों से क्या आ रहा है, 3D क्वालिटी आ रही है, और 3D क्वालिटी में क्या होता है, रियलिटी आ रही है। सो रियलिटी, रियलिज्म वो है, वो इंपॉर्टेंट है। ऑयल पेंटिंग इनको ज़्यादा ग्रेट रिचनेस दे रही है, पहली बार यूज़ हुई थी ऑयल पेंटिंग, कलर्स टू द पेंटिंग देम बिफोर, पहले से ज़्यादा। और ह्यूमन इमोशंस हैं, हैप्पीनेस आएगी, सैडनेस आएगी, अगर कंसर्न है, अगर आदमी चिंतित है तो उसके माथे पर बल पड़ेंगे, जो कि बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं आपको इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। आप इस हाथ को देखिए, इसके आप यहाँ पे शेड देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी लाइट पड़ रही है लेकिन यहाँ पे शेड ज़्यादा है। ठीक है, पीछे ज़्यादा शेड है आपके, ये रियलिटी को दर्शा रहा है। फोल्ड्स आप देख सकते हैं इसके, पूजा कर रहा है तो धार्मिक है। ठीक है, लेकिन फिर आप इसके पूरी नसें वगैरह देख सकते हैं, जिससे पता चल रहा है कितनी रियलिस्टिक पेंटिंग है। तो ये आदमी का अचीवमेंट बता रहा है।
स्कल्पचर्स जो थे, मूर्तियां जो थी, इस समय जो मेडिकल साइंस थी उसने बहुत मदद करी। इस समय डाइसेक्शन शुरू हो गया था और माइकल एंजेलो जो है वो वेंट टू द लोकल मॉर्ग, जो वहाँ पे जहाँ पे लाशें रखी जाती थी, उसने लाशों को पढ़ा, उसके अंदर अंदर गया, उसको पढ़ा, ठीक है, उसने एवरी बोन को पढ़ा, एवरी मसल्स को पढ़ा, एवरी वेन को पढ़ा, और उसका क्या नतीजा था, एक रियलिस्टिक आर्ट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई द पेटा है, मैरी ने जीसस को होल्ड किया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो लोगों ने अपने ऊपर सिल्वर पेंट लगा रखे हैं और वो खड़े हो रखे मूर्ति की तरह, इतना रियलिज्म है इसके अंदर। आर्किटेक्चर के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, रोम में ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, तो वहाँ पर आर्टिस्ट उनको देख के बना लेते थे, जिसको कि क्लासिकल बोलते हैं, पुराना। और माइकल एंजेलो तो बहुत ही लाजवाब कैरेक्टर है, उसने क्या किया, रोम में क्या बनाया, पोप के लिए सिस्टिन चैपल में उसने पेंटिंग करी है, ठीक है, वो पेंटर भी है। स्कल्पचर उसने द पेटा, अभी हमने जो देखा वो पेटा उसी का बनाया हुआ है। और डोम ऑफ सेंट पीटर्स जो चर्च है, वो डोम जो सारे की तीनों की तीनों चीज़ें जो रोम में ही मौजूद हैं, वो भी उसी की डिज़ाइन की हुई है। लियोनार्डो द विंची एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड, बॉटनी, एनाटॉमी, मैथ्स, आर्ट, मोनालिसा आपको पता है वो भी उसी की ड्राइंग है, द लास्ट सपर उसी की ड्राइंग है, इवन डिजाइंड अ फ्लाइंग मशीन, तो सम सॉर्ट ऑफ अ साइंटिस्ट, एरोनॉटिकल भी था वो, ठीक है। तो अब मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, देखिए डुओमो इसे कहते हैं, द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथीड्रल डिजाइन बाय ब्रुनेलेस्की, ठीक है। डोम क्या है, एक हाफ सर्कल है, पूरे सर्कल में जब आंखें, अगर ये सर्कल है तो पूरे सर्कल में आंखें सेंटर में जाती है, डोम भी एक हाफ सर्कल है जिस जो भी सेंटर में जाती है या नीचे जाती है आंखें, जिसका मतलब है डोम में आप नीचे की तरफ देखो, यानी इस धरती की तरफ देखो, अनलाइक हमने देखा जो स्ट्रक्चर गॉथिक स्ट्रक्चर थे वो आंखें ऊपर की तरफ, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर थे और आंखें ऊपर यानी हेवन की तरफ जा रही थी, डोम बाई इट्स वेरी नेचर जो है वो आंखें सेंटर या धरती की तरफ करता है, ठीक है। लिटरेचर में पेट्रार्च इंपॉर्टेंट है, उसकी सोनेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। दांते की डिवाइन कॉमेडी जो कि इटालियन लैंग्वेज में है, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर में है, ठीक है। पॉलिटिक्स में हम देखेंगे मैकियावेली प्रिंस 1513 में लिखी थी, बहुत ही रियलिस्ट था वो ये कहता है, पॉलिटिक्स में हम रियलिज्म देख रहे हैं। डिज़ायर जो ह्यूमन नेचर का वो इनसेटिएबल है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा, ह्यूमन नेचर का जो डिज़ायर है, ठीक है, इसीलिए आदमी हमेशा क्या है, सेल्फिश है, हमेशा सेल्फिश रहने वाला, हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट से काम करता है, वो एक रियलिज्म की थ्योरी दे रहा है पॉलिटिकल साइंस में। ना तो कोई दोस्त परमानेंट होता है, ना दोस्त कोई, ना कोई दुश्मन होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। सो पावर इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, ये रियलिज्म की थ्योरी दे रहा है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस वाले वो जानते हैं, ये मॉर्गेन्थो की भी थ्योरी है, ठीक है। तो ये भी रियलिज्म हम पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। अब आखिरी टर्म है पॉलीमैथ्स या रेनेसा मैन। ये रेनेसा मैन कौन है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, आदमी का जो लिमिट है वो लिमिट तो कोई है ही नहीं, ठीक है, उसकी एबिलिटी में। पीपल शुड एम्ब्रेस ऑल नॉलेज एंड डेवलप देयर कैपेसिटी एज फुल एज पॉसिबल, ठीक है। तो यूनिवर्सल नॉलेज एक आदमी को एक्वायर करनी चाहिए, सो यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी का मतलब है सीट ऑफ यूनिवर्सल लर्निंग, यहीं से आइए। लियोनार्डो द विंची हमने देखा था कि वो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, साइंटिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी है, माइकल एंजेलो एक स्कल्पचर भी बनाता है, पेंटर भी है, ये सब रेनेसा आर्टिस्ट या रेनेसा मैन कहलाते हैं। उसने डेविड बनाई है, डेविड एक मूर्ति है, इसे कोई कपड़े नहीं पहने हुए, और वो उसकी बॉडी को सेलिब्रेट कर रहा है, एक आदमी की बॉडी को सेलिब्रेशन है डेविड की मूर्ति या कोई भी और पेंटिंग वगैरह। ऑल दिस शोज हिज लिमिटलेस टैलेंट कॉन्फिडेंस, एक डेविड जो खड़ा हो रखा है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खड़ा हो रखा है, यानी कोई आदमी जो रेनेसा मैन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसके अंदर पूरी एबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म, थैंक यू।